हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी मास्टर दशरथ। तो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पर तिरंगे वाली रील्स कैसे बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर 15 अगस्त वाली रील्स कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना है तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। जब आप इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं तो गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। इसमें गाइज आपको तिरंगे वाली रील्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस प्लस वाले आइकॉन पर आपको गाइज क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको थर्ड नंबर पर रील का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर रील्स वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। रील वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। इसमें आपको तिरंगे वाली रील्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको तिरंगे वाला इफेक्ट है जो सर्च करना पड़ेगा। तो गाइस, इसके लिए आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखाई, इसमें इफेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर हमको इस तरह का इफेक्ट, इस तरह का इफेक्ट, आपको जो भी इफेक्ट अच्छा लगे उसमें आपको आप अपना रील्स बना सकते हो। अगर आपको तिरंगे वाला इफेक्ट पसंद है तो आपको तिरंगे वाली इफेक्ट में रील्स बनानी है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सर्च बार में आपको सर्च करना है। तो गाइस, जिस तरह से मैं यहाँ पर तिरंगा सर्च करता हूँ, 15 अगस्त सर्च करता हूँ, इंडिपेंडेंस डे सर्च करता हूँ, उस तरह से आप भी अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम पर सर्च कर दीजिए। तो गाइज़, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया है, 15 अगस्त सर्च कर दिया है, तो हमारे सामने 15 अगस्त के बहुत सारे हमारे सामने फिल्टर है, इफेक्ट है, जो हमारे सामने आ गए है। गाइज़, आपको जो भी इफेक्ट अच्छा लगे उस इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है और उसमें आप अपनी रील्स बना सकते हैं। तो गाइज़, मैं यहाँ पर मुझे जो इफेक्ट अच्छा लगता है मैं उस इफेक्ट पर क्लिक करके आपको बता देता हूँ। तो गाइज़, मैंने यहाँ पर एक इफेक्ट पर क्लिक किया है। इस इफेक्ट में आप देख सकते हो मेरे किस तरह से यहाँ पर रील्स है जो बनकर तैयार हो जाती है और यहाँ पर मेरे सामने किस तरह का इफेक्ट है जो आने लग जाता है। गाइज, तो आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर किस तरह के इफेक्ट जो आने लग जाते हैं। आपको जो भी इफेक्ट पसंद है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रील्स बनाने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का कैमरा ओपन हो जाएगा। इसमें आपको रील्स बनाने के लिए यहाँ पर आपको इस ये वाले ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको दबाए हुए थोड़ी देर के लिए प्रेस कर देना है। प्रेस करते ही आपका है जो वीडियो है जो स्टार्ट हो जाएगा, आपकी रील्स है जो स्टार्ट हो जाएगी। गाइज, तो रील्स बना देने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नीचे की तरफ आपको ये सफ़ेद कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गाइज, आपने जो रील्स बनाई थी आपके सामने यहाँ पर आ गई है। आपको यहाँ पर इसमें जो भी एडिट करना है, म्यूज़िक लगाना है, तो यहाँ पर आप म्यूज़िक का ऑप्शन देख रहे हो, इस वाले म्यूज़िक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर म्यूज़िक का ऑप्शन नीचे दिख जाएगा, इस म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़िक आ जाएंगे। इसमें आपको तिरंगे वाला म्यूज़िक लगाना है तो यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है तिरंगे वाला म्यूज़िक, तो आपके सामने तिरंगे वाला म्यूज़िक भी आ जाएगा। गाइज, इस ये कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टिकर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इमोजी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको जो भी लगाना है वो आप लगा दीजिए। और गाइज, आपको फिल्टर अलग चेंज करना है। फिल्टर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे इस तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज, अभी आपको अपलोड करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी कैप्शन में जो भी टाइप करना है आपका कैप्शन टाइप कर दीजिए। टाइप कर देने के बाद आपको जिस किसी को भी टैग करना है टैग कर दीजिए और आपको यहाँ पर शेयर पर क्लिक करना है। जब आप शेयर पर क्लिक करते हैं तो आपने जो रील्स बनाई है वो इंस्टाग्राम पर अपलोड हो जाएगी। तो गाइज, इस तरह से आप भी अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम पर तिरंगे वाली रील्स है जो बना सकते हैं। तो गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।